हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाएं, उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपको सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन करना है। ये ब्राउज़र आपको मोस्टली ओपन ही मिलेगा। आपके सामने एक स्क्रीन होगी जो आपको ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि रोल नंबर से पहले आपको R या 00 नहीं लगाना है, जो आपका एडमिशन ईयर है, यानी 18, 19, 20 ऐसे ही आपके रोल नंबर स्टार्ट होते हैं, वहाँ से आपको रोल नंबर डालना है। फिर आपको कैप्चा एंटर करना है। जैसे ही आप कैप्चा एंटर करोगे, आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको आपके इन्विजिलेटर प्रोवाइड करेंगे। इन्विजिलेटर यानी जिन टीचर का ड्यूटी आपके एग्ज़ाम में लगी होगी, वो आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपको अपनी मर्ज़ी से ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं डालना है। उसके बाद दी गई इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली पढ़नी है। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स, सारे क्रेडेंशियल्स जैसे फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, रोल नंबर, ये सब चेक करना है कि ये आपके ही ओपन है या किसी और स्टूडेंट के तो गलती से ओपन नहीं हो गई है। क्रेडेंशियल्स चेक करने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करना है और सारी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़नी है। उसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम पास कोड डालना है, जो आपके इन्विजिलेटर ही आपको प्रोवाइड करेंगे। और फिर आपको आई अग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। और फिर आपकी जो है एग्ज़ाम की स्टार्टिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें आप देखोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाई देंगे कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन आप आंसर कर चुके हो और आपका कितना टाइम बचा है, यानी आपका जो टाइम है एग्ज़ाम टाइम भी वो दिखाएगा। राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उसी के ही सामने एक रेक्टेंगल है जिसमें आपको दिखाएगा कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क किया है। अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप में आपको क्वेश्चन पैलेट दिखाई देगा, जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और इसके नीचे ही आपको प्रीव्यू और नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यानी इनिशियली आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ओपन होगा और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच जाओगे। तो या तो आप नेक्स्ट करके क्वेश्चन पर पहुंच सकते हो, या ऊपर क्वेश्चन पर क्लिक करके भी आप जो है क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। अब इस स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, कुछ येलो दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्लू दिखाई दे रहे हैं और कुछ ग्रे दिखाई दे रहे हैं। ग्रे का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं। येलो का मतलब है कि आपने जो है किसी क्वेश्चन को फ्लैग मार्क किया, मतलब फ्लैग किया हुआ है और इस क्वेश्चन को रिव्यू में डाला हुआ है कि मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। ब्लू का मतलब है कि कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट तो कर दिया, लेकिन फिर भी आप उसको दोबारा रिव्यू करना चाहते हो। तो एग्ज़ाम के लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके आंसर जो है वो ग्रीन होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपका ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए। ब्लू का मतलब आपका वो क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है, आप श्योर नहीं हो उसके आंसर के बारे में, तो आपको उस आंसर को श्योरिटी से देना है और उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही जो क्वेश्चन आपने फ्लैग किया हुआ है येलो कलर का, उसका फ्लैग रिमूव करके आपको आंसर देना है, वो भी आपका ग्रीन कलर में हो जाएगा। और जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। जब सारे क्वेश्चंस आपके ग्रीन हो जाएं, सारे आंसर्स आपके ग्रीन हो जाएं, तो आपको रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। वो आपको एक मैसेज दिखाएगा कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और फिर जाके आपको क्या करना है, सबमिट सक्सेसफुली पर क्लिक करना है।
तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे चैनल स्किल बुक को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।